हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 35th ट्यूटोरियल है आयोनिक 3 का, जिसमें हम लोग अपनी ऐप को अपलोड करेंगे अपने आयोनिक व्यू में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्या किया है, सी एस की नेम से एक ऐप बना लिया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और जहाँ पर आपका सी एस की लिखा हुआ है वहाँ पर इसे ओपन करना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको चलाना है npm install g ionic latest, हमारा लेटेस्ट वर्जन है तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे इसे दोबारा से। अगर आप एक बार अपलोड करते हैं ionic view में, उससे पहले इसे ज़रूर चलाइएगा, लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। हमने पहले से ऐप बना के रखी है, तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग ऐप, तो यहाँ पर से इसे लिंक को हम कॉपी कर देंगे। सेकेंड हमें क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे और इधर पेस्ट कर देंगे और ओके दबा देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा जो हमारी ऐप होगी वो हमारे ionic view से लिंक हो जाएगी और उसकी आईडी क्या होगी, FD5C3145। तो आपको इसमें इससे पहले गिट इंस्टॉल होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इसमें गिट इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये प्रॉपरली आपका काम कर पाएगा। अब देखिए थोड़ी प्रोसेस होगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसकी प्रोसेस में, तो हम होल्ड करते हैं थोड़ी देर। देखिए आयोनिक गिट रिमोट ले रहा है, उसके बाद गिट रिमोट एड आयोनिक, इस तरह से प्रोसेस होगी इसकी। और अगर आपको इसमें कोई भी एरर आता है, इसी अपलोडिंग में कोई लिंक में एरर आता है, तो हम हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हमें ज़्यादा से लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम आपके लिए एडवांस वर्जन भी ला सकें। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इसमें, बहुत सारे फ्रेंड्स हमें कमेंट में बताते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या इसमें हम ये कर सकते हैं, क्या इसमें हम ये कर सकते हैं, तो वो सब हम फ्यूचर में कवर करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करेंगे हमारी वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, तो देखिए आप हमारा लिंक हो गया। अब हमें क्या करना है, गेट पुश आयोनिक मास्टर, इसे हम पुश कर देते हैं। अगर आपके इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यहीं पर प्रॉब्लम आती है, गेट पुश आयोनिक मास्टर में लिंक हो जाता है आपका, उसके बाद प्रॉब्लम आती है यहाँ पर गेट पुश आयोनिक मास्टर में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो हम देख लेंगे। और यहाँ पर इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा अपलोड हो चुका है। रिफ़्रेश करने के बाद हमें इसे बिल्ड करना होगा, और जब भी आप कोई ऐप बनाते हैं तो उसे बिल्ड करके ज़रूर देखिए आयोनिक व्यू में, अगर आपको इसमें कोई एरर होगा तो वो आपको बता देगा कि आपको इसमें ये एरर है। तो इस केस में देखते हैं हमारे इसमें कोई एरर है या नहीं, क्योंकि आपका डेस्कटॉप में चलना, आपके ब्राउज़र में चलना अलग बात होती है, और जो मोबाइल में चलना अलग बात होती है, तो उसके लिए यहाँ पर इसको पूरा बिल्ड होना पड़ता है। अगर बिल्ड प्रोग्रेस सक्सेसफुली हो गया, इसका मतलब आपने कोई भी एरर नहीं किया हुआ है और आपका कोड चल सकता है किसी भी ऐप में, या फिर किसी भी मोबाइल में कह लीजिए, iOS में या एंड्रॉयड में, दोनों में आप चला सकते हैं। और आप हमें ये बता सकते हैं आप इसमें आयोनिक में और क्या क्या सीखना चाहते हैं, या फिर आयोनिक जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए हमें, ताकि हम आपके लिए उस वीडियो पर या उस टॉपिक पर, अगर टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो हम उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और अभी इस पर बहुत कुछ कवर करना बाकी है, और आप देख सकते हैं इसमें किस तरह की लोग ऐप बनाते हैं और किस किस तरह से उसे करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने ऐप बनाई थी अभी तक वो बिल्ड फिनिश हो गई है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पक्का आपको यहाँ पर शो करेगा कि किस कोड में एरर है, तो वो कोड आप हमें बता सकते हैं या फिर आप खुद भी देख सकते हैं, चलते हैं स्टैक ओवरफ्लो में और गूगल में सर्च मार सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने एक लिंक खोला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टॉप शोकेस है, कहते हैं जो आयोनिक फ्रेमवर्क में बनी हुई ऐप है, देखिए पेसिफिक मार्केट वॉच और शोर वर्केट, ये सब आपके एंड्रॉयड में भी अवेलेबल हैं और आपके कहते हैं iOS में भी, दोनों में अवेलेबल हैं। और इनकी रेटिंग देखिए आप, 620 रेटिंग है, और यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया रेटिंग है, 4.5 जिन्होंने रेटिंग की है। इंस्टॉलेशन कर सकते हैं आप इसे अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। ऐसी ऐप आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए, और आप भी अपने एंड्रॉयड या फिर iOS में इनके स्टोर्स में अपनी भी कहते हैं ऐप को डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सपोर्टिंग अस। गुड बाय।